वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं उधमपुर अपने मामू के घर पे, यानी कि मम्मी के मायके से। हाय मम्मी। हाँ, और ये हैं डैडी साथ में और हस्बैंड जी। और यहाँ पे हम नंदनी में रुके हुए हैं। यहाँ पे पनीर वाले पकोड़े मिलते हैं, बहुत फेमस है। ये सरदार जी का ढाबा है। लेट मी शो यू। एक सीक्रेट की बात बताती हूँ, हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमने चाय पीने के लिए मना कर दिया था, बट अब हम मानना पड़ा क्योंकि इनको चाय नहीं मिलती है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं चाय पीने। पनीर वाले पकोड़े, मिर्ची भी है इसके अंदर। मैंने मैगी ऑर्डर किया, मेरे लिए मैगी आएगी। आ गई। यहाँ की वेजिटेबल मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। इसमें बहुत ही सारी वेजिटेबल ऐड थी का मज़ा। यहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और डैडी यहाँ पे चाय का नज़ारा ले रहे हैं। जाते जाते रास्ते में महाकाली जी का मंदिर आता है। हम जितनी भी बार उधमपुर जाते हैं पहले माता रानी को माथा टेकते हैं, फिर आगे जाते हैं। और जितने भी यहाँ से लोग गुजरते हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, वो माता रानी के दर्शन करने के बाद ही आगे जाते हैं। और ये सिर्फ आते टाइम ही आता है, जब आप उधमपुर जाते हो उसी टाइम आपको मिलता है। आते टाइम आपको इसके दर्शन नहीं होंगे, तो मेक श्योर जब भी आप उधमपुर जाएँ या फिर उसके आगे कहीं भी जा रहे हो तो माता रानी को एक बार ही माथा ज़रूर टेकें। पहुंचने वाले हैं मामू के घर पे, ऑलमोस्ट पहुंच गए। यहाँ पे बाबी ऊपर हमारा वेट कर रही थी कब से, और हम आने में थोड़ी लेट हो गए थे। हैं मामी जी, सबसे बड़ी वाली मामी जी। मामी जी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। और ये हैं मामू जी, और ये भैया के छोटे बच्चे हैं, बहुत ही शैतान हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और यहाँ पे छोटी मीहू लेटी हुई है, इसको मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे आके हमने लंच भी किया, इतना सारा खाना खाने के बाद भी हमने आके लंच कर लिया। हेलो गाइस, देखो ये कौन है, ये मेरा छोटा भतीजा है। मैं आपकी क्या लगती हूँ? चाची। ठीक है, अब यहाँ शाम का टाइम हो गया है। हम 4 बजे से पहले पहले पहुँच गए थे। आके हमने लंच किया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम बाहर से भी खा के आए थे। और उसके बाद मैं सो गई थी, सो के मैं अभी उठी हूँ और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। हमारा मिट्टू जिसकी एज लगभग 12 साल के करीब है, लगभग 7 बजने को हैं। और ये आप व्यू देख सकते हो यहाँ पे,
और एकदम ठंडा मौसम। टी टाइम आप देख सकते हो डाइटिंग के साथ साथ, आज चीट डे है, सैटरडे है, और ये कचौरी के साथ चाय। कद्दू, कद्दू क्या होता है ये? कद्दू करेला क्या है ये? दिखाओ इसका दूसरा पार्ट भी दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ क्या है। ये तो गावा है ना। हाँ ये क्या है? ये क्या करते? ये क्या था? डकी माय क्यूटी, डकी 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 आई। ये क्या? येलो खाओ। ये क्या? थोड़ी दवाई लो। कौन सी दवाई है ये? बेबी केयर्स है ही नहीं कुछ भी। झूठी। ये क्या? ये डॉगी हमारे पास भी है यार, इसकी मुंडी निकल गई थी। ऐसे हिलता है ये। हां बार्बी की ड्रेस का बार्बी है। क्या है ये? ये हमारा डॉग है। बोलो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डॉग है। हेलो फ्रेंड, ये हमारा डॉग है। यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, मजे आ रहे हैं। हैं? किसके साथ मजे आ रहे हैं? हमारी चाची आई है। और आपको मजे आ रहे हैं? हमें खुशी मिली है और मजे आ रहे हैं। यही चला। ये नहीं चला सकता मैं। चाची। ये डम्मी है। डम्मी नहीं है। यार मेरा फोन दे देना यार, प्लीज यार। फोन मिलेगा? मेरी बहन नहीं है थोड़ी। मैं बहन नहीं हूँ। नहीं हूँ। तो क्या लगती है? चाची की क्या लगती है? नहीं हूँ मैं। फोन मांग रहे मेरे से, देख ले फिर। फो कह रहे फोन दे मेरा वापस। क्यों मांग रहे हो? ऐसे ही एक चीज करनी। नहीं, गेम खेलते रहते हो रोज। जो मैंने दिया उसी को ही चलाओ। चाचू कह रहे इसमें गेम नहीं है। अच्छा खिड़की से दिख रहा है, वीडियो बना रही हूँ। हाँ वो देखो, कुछ नहीं होता, फिर डांस करते थोड़ा सा। मैं नहीं करूंगी जब तक बंद नहीं करूंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अनदर डे। और आज हम रात को यहीं पर रुके थे मामू जी के घर पे। अब सुबह का टाइम है, नहा धो के रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, चाय वगैरह सब पी लिया है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे, दूसरे मामू जी के घर पर जाएंगे। एंड लुक एट द व्यू, कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। यू कैन सी अभी सिर्फ पेड़ पौधे हैं। उधमपुर बहुत ही अच्छी जगह है, और अभी यहाँ पे आए हैं तो दिल करता है यहीं से जाए ही नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। अभी मैं आपको अंदर मिलाऊंगी सबसे। आज हम दोनों ने फिर से मैच किया है। क्यों नहीं आ रहे आप मेरी वीडियो में? आ रहा हूँ। हेलो बोल दो। हेलो। अब आप सारा घर दिखाओगे, घुमाओगे मामू का घर, तो मेरे फ्रेंड्स को सारा घर दिखाओगे, ठीक है? आप ले जाओ और दिखाओ। See you soon.
बज रहा था पहले। ये वाला तो पक्का डालना चूंडे लेके। मामू को भाई का बाय मामू जी। ये है हमारी गाड़ी। चाची भागो। और मीनू बैठे हुए हैं और हम दूसरे मामू के घर पे जा रहे हैं और हम बाहर का नजारा दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये देव है, राजू बोलते हैं जिसको हम प्यार से राजू बोलते हैं। राजू राजू पीहू पीहू हेलो बोल दो। हेलो। ये है क्या, कौन है ये? मीहू यानी कि मिट्टी। कैसी हो? कैसी हो? कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। बाय बाय। हेलो गाइस, हम पहुंच गए मम्मी के घर पे। हाय गाइस, हम पहुंच गए चाची के घर पे। यो 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 ऐसे करो एक एक दांत इस लड़की के दांत। अब हम उधमपुर की गलियों में घूम रहे हैं और हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं कपड़ों की। स्कूटी पे, मामू की स्कूटी पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये है उधमपुर बस स्टैंड एरिया। हम मंडी में जा रहे हैं, मंडी में। ये टाउन हॉल है, ये टाउन हॉल ग्राउंड है। यहाँ पे बाहर सब्जियाँ लगी हुई हैं, सब्जी मंडी है यहाँ पे। यहाँ अंदर मैच होते हैं। और ये है उधमपुर का गोल मार्केट। एक है गांधीनगर में गोल मार्केट और ये उधमपुर का गोल मार्केट। सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी, तो जरा मद होश हवा तुमसे कहने लगी। रोज बिछड़ के एक न एक दिन फिर मिल जाते हैं। यदि जाने तू या जाने ना भूल पे।